हमीरपुर एनआईटी परिसर में सफाई कर्मचारी द्वारा पेट्रोल छिड़कर आत्महत्या करने के प्रयास पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने एनआईटी प्रबंधन पर ताराशाही को लेकर चिंता जाहिर करते हुए एनआईटी डायरेक्टर पर सवाल दागे। साथ ही राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार और सांसद अनुराग ठाकुर को भी एनआईटी के मसले को गंभीरता से लेने की नसीहत दी। एनआईटी के मसले को लेकर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि एनआईटी को लेकर पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे लोगों ने मेरे से मिलकर शिकायतें करी हैं कि यहाँ पर जितने छोटे तबके के कर्मचारी हैं उनको तंग किया जा रहा है और एनआईटी में जो भर्तियाँ हो रही हैं पिछले कुछ समय से, जब से ये नए डायरेक्टर आए हैं तब से हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है वो तरजीह बिल्कुल नहीं दी जा रही है और यूपी से ख़ास तौर पर एक बरादरी के लोगों को जो है वो यादव बरादरी के लोगों को जो भर्ती की जा रही है। मैं इस मसले को लेकर यही कहना चाहता हूं कि एनआईटी में जो तानाशाही हो रही है, हमारे यहां से हमीरपुर से हमारे स्थानीय जो पार्लियामेंट के सांसद हैं वो भी कई बार आते हैं पर आते हैं वो टूरिस्ट की तरह हैं। उन्हें चाहिए कि इस मसले को गंभीरता से लें, केंद्र से उठाएं और यहां पर जो तानाशाही की जा रही है, तानाशाही का रवैया है पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो है लगभग 100 के करीब जो है वो लेक्चरर्स की और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई हैं, उसमें 95% नियुक्तियाँ जो हैं वो यूपी के लोगों की ही जा रही हैं। आपके हिमाचल प्रदेश में इसमें सेक्रेटरीट में जो भर्तियाँ हो रही हैं वो बाहर के लोगों की हो रही हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग कहाँ जाएंगे। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश सरकार इस मसले को देखे कि बाहर के लोगों को क्यों तरजीह दी जा रही है, हिमाचल प्रदेश के लोग कहाँ जाएंगे। इससे पहले भी एनआईटी जो है कई वर्षों से एनआईटी यहाँ से एनआईटी में भर्तियाँ हो रही हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को हमेशा तरजीह देती मिलती रही है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से छोटे जो कर्मचारी हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और पिछले कल तो एक बहुत बड़ा मसला, एक कर्मचारी ने अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, सरकार को गंभीरता लेनी चाहिए, बहुत बड़ा इशू है। और ये जो डायरेक्टर साहब हैं इनको जिस तरीके से कर्मचारियों को तंग कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो है एचआरडी मिनिस्ट्री को भी चिट्ठी लिखी है और यहाँ के लोकल सांसद को भी चाहिए कि इस मसले को गंभीरता से लें और केंद्र सरकार से उठाएं। सरकार इनकी है, सरकार इनकी होने के नाते हिमाचल प्रदेश में और ख़ासतौर पर हमीरपुर के इर्द गिर्द के जो ज़िले हैं वहाँ के जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको जो तंग किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। और अन्यथा क्योंकि ये सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में एनआईटी का जो क्षेत्र है, एनआईटी जो सुजानपुर क्षेत्र में पड़ती है, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों की समस्याओं को जो है वो गंभीरता से लें। और अगर यही रवैया रहा और यही इस तरीके से चलता रहे तो लोग सड़कों पे उतरेंगे और हम भी सड़कों पे उतरेंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मसले को सरकार भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस पर इंटरवीन करें और ये जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, बाहर के लोगों की भर्तियाँ की हो रही हैं, इनको बंद करें और हिमाचल प्रदेश के लोगों को तरजीह दें।